तो आज शाउट आउट मिल रहा है इमॉर्टल फैज भाई को और वन लव मिया भाई को, जिन्होंने मुझे पॉपुलैरिटी सेंड की। तो अगर आपको शाउट आउट चाहिए तो आप मुझे पॉपुलैरिटी सेंड कर सकते हैं। आप टॉप 20 में आए तो मैं आपका नाम ले लूंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है सैम और मैं आ गया हूँ और एक नए पबजी मोबाइल के वीडियो के साथ। तो बहुत सारे बंदों के कमेंट आए हैं दोस्तों कि कॉन्करर के लिए कितने स्टार्स चाहिए, मुझे पॉइंट्स नहीं समझते, कैसे चेक करें यार, स्टार बताओ कितने स्टार चाहिए कॉन्करर बनने के लिए। तो सारे में ए टू जेड कॉन्करर से रिलेटेड डाउट्स पूरे क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ कॉन्करर रैंक पुश से रिलेटेड, ताकि आपकी मदद हो कॉन्करर बनने में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो में बेसिक से बताने वाला हूँ, जिन दोस्तों के लिए वो उन्होंने जस्ट पिछले सीजन ही गेम स्टार्ट किया हो या फिर ये सीजन से वो रैंक पुश करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सिर्फ बेसिक से बताऊंगा। अगर आपको ये बेसिक मालूम है तो दोस्तों आप सीधा डिस्क्रिप्शन ओपन कर सकते हैं, वहाँ मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा टॉपिक का, तो आप उस टॉपिक के ऊपर क्लिक करके सीधा आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो आप कमेंट में ना कहे कि इतने बेसिक से आपने क्यों बताया, तो ये वीडियो खास बेसिक से मैं उन दोस्तों के लिए बता रहा हूं जो नए हैं और उन्हें नहीं पता। हाउ मेनी टायर इन द रैंक? तो दोस्तों, बेसिकली पबजी में टायर्स होते हैं दोस्तों, तो आप सीजन के अंदर रिवॉर्ड्स के अंदर आप जाके देख सकते हो। ये पहली टायर है दोस्तों ब्रॉन्ज, और हर टायर के अंदर 5 डिविजन्स आते हैं। तो फर्स्ट टायर है दोस्तों ब्रॉन्ज, फिर उसके बाद आता है सिल्वर, फिर उसके बाद आता है दोस्तों गोल्ड, फिर उसके बाद आता है प्लेटिनम, और प्लेटिनम के बाद डायमंड, और डायमंड के बाद क्राउन, और क्राउन के बाद एस, और केस के बाद आता है कॉन्करर जो सबसे हाईएस्ट टायर होती है। तो फिर कॉन्करर मिलता है जब आप एस में टॉप 500 के अंदर हो। What is the star system after S? तो दोस्तों, आपको पता है कि 4200 points मतलब S पे होते हैं, मतलब 4200, तो 4200 points के ऊपर हर 100 points को आपको एक star मिलेगा, मतलब 4300 points आप नहीं कहोगे, आप कहोगे S star 1, 4400 नहीं कहोगे, 4400 मतलब 200 points ज़्यादा है, मतलब S star 2, तो वैसा होता है दोस्तों star system। तो आप देख सकते हो S star 1 से लेके 5 तक रहे तो वो copper star दिखाएगा, फिर silver के लिए 6 star से 10 star, मतलब S 6 star से लेके 10 star को आपको वो सिल्वर स्टार दिखाएगा, और ए स्टार 11 मतलब दोस्तों उसके आगे आपको गोल्ड स्टार दिखाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि स्टार सिस्टम क्या है। हाउ टू चेक हाउ मेनी पॉइंट्स और स्टार रिक्वायर्ड फॉर कॉन्करर? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले रैंकिंग के अंदर जाना है और आपको फिर सिलेक्ट कर लेना है स्क्वाड में, चेक करना है कौन से सर्वर में, तो एशिया में अभी मैं देखेंगे। तो आपको लास्ट का बंदा देखना है, आप देख सकते हो लास्ट 100 वाले बंदे के पॉइंट 6240, तो आपको -100 या फिर 50 करने हैं, तो फिर आप टॉप 500 के अंदर आ जाओगे। और स्टार्स का भी आपको बता दिया है मैंने लेफ्ट कॉर्नर में, तो फिर आपको वैसे ही फिर आपको डियो में चेक करना है। तो डियो में आपको S6 स्टार या फिर S7 स्टार लगेंगे टॉप 500 के रैंक आने में। तो फिर हम अभी सोलो में देखेंगे, तो फिर सोलो में लास्ट 100 वाला बंदा, तो फिर उससे -100 या फिर 50 कर दो, तो आपको S5 या S6 स्टार लगेंगे। तो वैसे ही आप FPV में चेक कर सकते हो दोस्तों, लास्ट का बंदा देखो, उसके -100 या 50 कर दो, उतने पॉइंट्स लेंगे आपको कॉन्करर बनने के लिए। तो फिर आप वैसे ही दोस्तों, आप कौन सी भी सर्वर में इसी ट्रिक से आप चेक कर सकते हो, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए कॉन्करर बनने में। When we get the Conqueror title and what is the tier refresh time in PUBG Mobile? So दोस्तों, अगर आप S के ऊपर हो और आपकी रैंक 500 के अंदर हो, तो फिर कल मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सुबह 5:30 बजे आपको Conqueror टाइटल मिलेगा। पर शर्त इतनी है दोस्तों कि आपको 5:30 से पहले टॉप 500 के अंदर होना चाहिए, फिर ही आपको 5:30 के बाद आपको टाइटल मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो, मॉर्निंग में मुझे सीजन 14 का ये टाइटल मिला था। What if we get minus or demote in Conqueror tier, will we get the Conqueror frame? तो दोस्तों, जब आप Conqueror बनते हो तो पूरे एक दिन के लिए आप Conqueror रहते हो, भले आप कितना भी माइनस कर रहे हो या कौन सी भी टायर से नीचे आ जाओ, अगर भले आप
दोस्तों गोल्ड या प्लैटिनम पे भी आ गए फिर भी उस दिन के लिए आप कॉन्करर ही रहोगे। तो आप ये देख सकते हो, देखो 4270 पे माइनस हुआ, माइनस हुआ, माइनस हुआ, माइनस हुआ, मैं 4200 पे आ गया, तो फिर मैं एस नहीं बना। तो आप ऐसे ही आपको दोस्तों कॉन्करर फ्रेम तो आराम से मिल जाएगी, आप माइनस ले लिए फिर भी 5 मैच खेल सकते हो और कॉन्करर फ्रेम मिल जाएगी। देखो दोस्तों रैंकिंग का भी कुछ नहीं होता, पूरे एक दिन के लिए आप कॉन्कर रहते हो। देखो मेरी रैंक 500 के ऊपर है। What are the season end rewards we get? So दोस्तों आपको रैंक पुश के दौरान कुछ टायर्स जब आप पास करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं और सीजन एंड में भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों जब भी आप टायर कौन सी भी पास करते हो तो आप यहाँ देख सकते हो, आप कलेक्ट करते जाओ आपको ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो क्राउन में आपको दोस्तों 3 टायर प्रोटेक्शन रेटिंग कार्ड्स मिलते हैं। तो फिर एस के अंदर दोस्तों आपको पैराशूट मिलता है 5 मैचेस खेलने के बाद जब भी आप एस के ऊपर जाते हो। तो दोस्तों फिर उसके बाद कॉन्करर में आपको दोस्तों ये मिलता है, फ्रेम मिलती है और आपको ऐसे मिथिक इफेक्ट्स मिलते हैं जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको क्या मिलता है। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों मेरी सीजन 9 का, मुझे जब नेक्स्ट सीजन स्टार्ट हुआ तो सीजन एंड रिवॉर्ड्स क्या मिले थे। तो आप देख सकते हो मैं सीजन 9 में कॉन्करर बना था सोलो टीपीबी में, तो फिर मुझे ये कॉन्करर रिवॉर्ड्स मिले थे। तो फिर आप ये देख सकते हो, तो आपको ऐसे मिलेगा दोस्तों अगर आप कॉन्करर बने तो आपको टाइटल मिलेगा सीजन का, जो कौन से भी सीजन का हो उस सीजन का टाइटल, और आपको फिर सिल्वर फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। और दोस्तों आपको टाइटल देखो दोस्तों कैसे मिलता है, ये देखो दोस्तों आपको ये परमानेंट रहता है ये टाइटल, आप याद रखो दोस्तों जब कभी आप कॉन्करर बनोगे तो आपको टाइटल मिलेगा, तो ये परमानेंट रहेगा, आप कौन से भी सीजन इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी करंट में सीजन 9 का ही टाइटल लगाया और ऐसी आपको प्रोफाइल नेम टैग मिलती है दोस्तों अकॉर्डिंग टू योर टायर, अगर क्राउन में हो तो क्राउन, एस में हो तो एस, और फिर कॉन्करर की तो कॉन्करर, कॉन्करर एंड एस टायर टीम इफेक्ट। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, तो दोस्तों आप ये देख सकते हो ये है कॉन्करर टायर की टीम इफेक्ट, और ये सिर्फ एक ही सीजन में रहती है, मतलब अगर आप सीजन 14 में बने तो 15 में रहेगी। तो आप देखो दोस्तों ये एस की है तो एक ही सीजन ये चलती है। सो वॉट आर द वीकली रैंक पुश रिवॉर्ड्स? तो दोस्तों आपको ये ज़्यादा बंदों को तो पता ही होगा पर कुछ बंदों को नहीं पता है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है, फिर आपको रिकमेंडेड में जाना है, फिर वीकली रिपोर्ट्स में जाना है, और ये हर वीक चेक करते रहो दोस्तों, क्योंकि हर वीक जब भी आप रैंक पुश करते हो तो आपको ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आपको ये सब कलेक्ट कर लेना है, मतलब कितने टोटल 8 वीक्स रहते हैं, तो पूरे 8 वीक्स आपको ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे दोस्तों। तो आपको हमेशा रैंक पुश कर रहे हो तो ऐसे ये कलेक्ट करते रहो, आपको ये मिल जाएंगे। देखो दोस्तों मैं कलेक्ट कर लूँगा अभी सारे ये रिवॉर्ड्स, तो आप देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर वाउचर भी मिलता है दोस्तों बोनस चैलेंज का, तो आप बोनस चैलेंज खेल सकते हो। और देखो दोस्तों मैं कलेक्ट करके देखो मैंने कितने कलेक्ट कर लिए, 13 वाउचर्स है दोस्तों बोनस चैलेंज वाउचर्स। तो दोस्तों सारे कॉन्करर के रिलेटेड डाउट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, आपको सब पता चल गया होगा अभी कि आपको कैसे कॉन्करर कितने पॉइंट्स पे चाहिए वो चेक करें या फिर कौन से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूँ और आपकी मदद करता हूँ कॉन्करर बनने में। तो आपको कॉन्करर बनना है तो ज़रूर बनोगे, मेरे टिप्स को फॉलो करो, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय, और आपको कॉन्करर बना के ही रहूंगा।